इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस की स्थापना सन 1999 में हुई थी। ये संस्थान आयुर्वेद के फार्मास्यूटिकल फील्ड में उच्च एवं सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रसिद्ध है। संस्थान को भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस प्रदान करने हेतु प्रक्रिया लाइनअप में है। आज इस संस्थान का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष में संस्थान द्वारा विविध कार्यक्रम जैसे वेबिनार, कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए संस्थान के अधिकारीगण, सारे फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। थैंक यू। मैं मुकेश जैन, कोटा राजस्थान से, स्टूडेंट ऑफ पायनियर बैच बी फार्मा आयुर्वेद IIAPS गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। आज IIAPS के 22nd फाउंडेशन डे पर मैं उस समय के आदरणीय वाइस चांसलर, प्रिंसिपल एवं समस्त गुरुओं को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस समय IIAPS में कई असुविधाओं के बावजूद हम पायोनियर बैच के स्टूडेंट्स को आयुर्वेद एवं मॉडर्न साइंस की उच्च कोटि की शिक्षा देकर सिंचित किया, जिसके कारण आज हम सभी वट वृक्ष की तरह आयुर्वेद फार्मा इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इसके लिए मैं उस समय के गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर कुरूप सर को नमन करता हूँ, जिन्होंने उस समय आयुर्वेद फार्मा इंडस्ट्री की नीड को समझते हुए बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स का प्रारंभ किया। साथ ही में उस समय के सिद्ध हस्त गुरु डॉक्टर बख्शी सर, डॉक्टर सिद्धिनंदन जी मिश्रा, डॉक्टर बहादुर सर, डॉक्टर डे सर, डॉक्टर रविशंकर सर, डॉक्टर मालती मैम एवं पिल्लई सर और दवे मैम एवं समस्त शिक्षकों का मैं कृतज्ञ हूँ एवं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इन सभी टीचर्स ने हमें उन असुविधाओं में भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी एवं सतत हमको शिक्षा से सरोवार करते रहे। मैं आज 22nd फाउंडेशन डे पर प्रेजेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर जोगन मोदा जी एवं मेरे कलीग डॉक्टर मेहुल मेहता एवं डॉक्टर सुशांत सूद को बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ, जिनके सानिध्य में आज IIAPS अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचा है और आगे भी इस इंस्टीट्यूट की ख्याति संपूर्ण विश्व में ऐसे ही फैले, ऐसी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग IIAPS। First of all, I would like to say congratulations for completing a memorable 21 years and good luck for your 22nd Foundation Day celebrations. It's been 21 years, a long glorious years. And what to say? For these 21 years, this IIAPS, formerly known as IAPS, when we joined, so it's still in our hearts. And we take breathe in, breathe out, remembering our those 6 glorious years spent in the prestigious institute. We still remember the bunch of 12 guys and girls came together to nurture the seed of IIAPS, which was dreamt to start by the revered late Sri Dr. PNV Kurup sir, and which was truly truly shaped by the course coordinator Dr. Day, Dr. Ravishankar sir. And what to say? From that particular gallery of the Dhanvantri Mandir,
one single classroom. We started this course with one office and Mr. Tom as our office administrator. So it was good memory from that particular room to the AK Jamal building, which is our the college. What we have seen, the development from a single building to a complete laboratory, classrooms, extensions, everything. So it was a great course given to the field of Ayurveda, where we all need an Ayurvedic pharmacist for the development of good medicines. It's a good initiative. It's a hard work of our great mentors and also the students, which after passing out from the college has joined the prestigious companies and taken the level altogether to the another world. So once again, we would like to thank the present leadership, Dr. Jovan Mola, for this great initiative to have a small conversation with our current set of students on the foundation day. So best of luck, have a great future, and take the IIPS to new heights. Good luck and best of luck. Thank you. Yes. Greeting to one and all. Myself, Dilip Singh Baghel, Associate Professor, Lovely Professional University, Punjab. I would first like to congratulate the Principal Dr. Jovan Moda and Vice Chancellor, Gujarat Ayurveda University, Dr. Anup Thakkar sir, on the celebration of 22nd year of IIAPS. It has been the standard of exemplary purity and excellence since the time of it started. I am very happy to be a part of this milestone university. Today, I would like to share my vision and hope for the young generation of our nation. India is the country of origin of Ayurveda, and the world is looking up to India to exhibit international level education and training in Ayurveda. The university has a great heritage and has well set vision and objectives and is trying to enhance positive impact on the community by doing a human task in needful services. It is a matter of pride and honor that this university is linked to Ministry of Health and Family Welfare, both at state and center. All this indicate its most special status. I wish the university to create many more benchmarks and the young generation to take up Ayurveda with devotion and sincerity. This occasion is a proud moment to celebrate. I wish you all the best. Thank you. Hi everyone. I extended my warm greetings to the principal, staff member, and a student of the IIAPS Gujarat Ayurveda University on the occasion of 22nd Foundation Day. I really feel proud to be a part of this premier institute. Till now, our institute has done exceptionally well in the field of Ayurvedic pharmaceutical sciences. Our alumnus are doing wonderful job in the industry by taking opportunities in the current scenario. They are doing exceptionally well in the field of production, quality control, research and development. I really feel proud to be a share. Now our alumnus are doing exceptionally well in the international market also.
In the last, I congratulate to the teachers of IIAPS, those who are shaping the future pharmacists. Thank you guys. मैं उत्तम कुमार गुप्ता बारां राजस्थान से आज इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के 22वें स्थापना दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी गुरुजनों और वरिष्ठ मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें सिंचित कर इस मुकाम तक पहुँचाया है। IIAPS के पास आउट स्टूडेंट्स आज देश विदेश में अपना व इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। IIAPS के सभी टीचर्स व स्टूडेंट्स को पुनः बधाई देता हूँ। IIAPS इसी तरह दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और आयुर्वेद का नाम राम रोशन करता रहे। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले IIAPS के साथ जुड़े हुए हर एक व्यवस्थापकगण, शिक्षकगण, माननीय सीनियर्स और मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर्स, आप सब लोगों को IIAPS के इस फाउंडेशन डे पे, यानी कि 72nd फाउंडेशन डे पे आप सब लोगों को खूब खूब हार्दिक बधाई हो। ये शुरुआत आज से 21 साल पहले मैंने की थी IIAPS के परिवार के साथ जुड़ने की। उस वक्त शायद हमारे पास इतनी समझ नहीं थी कि आगे जाके हमको फ्यूचर में करना क्या है, लेकिन डॉक्टर मालतीबेन चौहान, जो मेरे लिए एक मेरे मेंटर थे, मालती मैडम ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ पढ़ाया और मालती मैडम ने मुझे गाइड किया कि आप जाके शुरू करो इस। मेरे फादर को उन्होंने कन्विंस किया कि आप इस लड़के को अपने पाथ के अंदर ही आपको रखना है, तो आप इसको IIAPS के अंदर, एक नया कोर्स शुरू हो रहा है एक नए इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो आप जाके उनको वहाँ पर पढ़ाओ। बस वहीं से हमने अपनी शुरुआत की थी अपनी लाइफ की और आज इतने साल बाद, आज आई डू हैव 14 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, 14 साल इंडस्ट्री के अंदर हर एक सेक्शन के अंदर काम करते करते, मेहनत करते करते, मैं आज निमित बल्दानिया आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट के रूप में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। आधे से ज़्यादा दर्जन कंपनियों को कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की कुछ वक्तों में, कुछ सालों के बीच, और आप सब लोगों को, मेरे सीनियर्स और मेरी जूनियर्स, आप सब लोग, हम सब लोग साथ पढ़े भी हैं, साथ देखा भी है लाइफ को, इस इंस्टीट्यूशंस को ग्रो होते हुए भी देखा है। हम सिर्फ छोटे से एक बिल्डिंग के अंदर रहते थे, वहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी और आज बहुत ही बड़ा अच्छा कैंपस अपना क्रिएट हो चुका है। हमारे सीनियर्स जो हर एक जगह पर अपनी अपने ऐसी छाप बना के रखी है, जहाँ जहाँ पर हर एक इंस्टीट्यूशंस, हर एक कंपनीज के अंदर अपनी इस तरह से रेपुटेशन तैयार की है, उस रेपुटेशन को संभालना और आगे बढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारे जूनियर्स की है, हमारे साथ चलने वाले लोगों की है। इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरह से और आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों का साथ, सहयोग और काम जरूरी है। सही से पढ़िए जूनियर्स, सही से एजुकेशन लीजिए, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बातों को समझना है, उसके बारे में समझिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, आपको लगे कि हम कुछ समझ नहीं पाते, तो आप पूछिए अपने प्रोफेसर से। हमारे प्रोफेसर भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त निकालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो उनको भी आप सहयोग दीजिए। और ये वक्त है, ये एक मौका है जो वापस नहीं आने वाला, मतलब ये पढ़ाई का मौका है। हाँ, मस्ती करो, ठीक है, दुनियादारी है, सब कुछ है, वी हैव अदर फन, वी हैड अ वेरी गुड फन इन आवर लाइफ, हमने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर बढ़िया से बढ़िया लाइफ जी है, हमने मस्ती भी इतनी की है, हमने पढ़ाई भी इतनी ही की है। मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलता। सभी सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ, आप सब लोग सभी सुखी रहे, खुशी रहे। नमस्ते।
Hello everyone, I am Rajat Jain. I am founder and managing director of Chimerica Hunter International. I've been a student of IAPS, Gujarat Ayurveda University, for almost 12-13 years back. I've been there and I did my graduation from IAPS. I feel really blessed that I was at that place where could I learn the Ayurveda principle along with the modern techniques. And that was one thing which inclined me to make this formulation. So today we make all the personal care products like shampoos, lotions, conditioners, shower gels, and all these products with the principles of Ayurveda in it. So we add a lot of herbs and extracts and natural oils and natural bases. And that has made our products like famous across the world. So we have been doing a lot of supplies to majority of 5-star hotels in India and also abroad. And proudly we are India's largest company into this line of business. Now we are also coming up with our retail product range, because seeing at the huge consumer demand which have been coming to us directly from the consumers. So we have recently launched our website www.chimerica.shop. I would like you to you all to just hop onto that website so that you could understand that what kind of products we could make with the principles of Ayurveda. So I would like to thank all my teachers, all my fellow students who were there with me at that point of time. And I would wish all the best to all the students who have been attending the B Pharma or M Pharma courses at IAPS. And this is a perfect course for those who are inclined to make Ayurveda products. This is the perfect platform. I would like to thank Krunal for inviting me to speak out and just share my little bit of experience. And so stay safe everyone, and have a wonderful year ahead. And just we hope that we quickly come out of this pandemic. And also, like, we are the guys now everybody has learned that Ayurveda is very, very famous in these days, and everybody wants to make their immune system very strong. And the world has understood that Ayurveda is one thing which could help in that. So you have a bright future. Please do continue with your education at IAPS. And this is a wonderful platform. I would wish all the very best to all of you. Thank you. Namaste, everyone. Mera naam Bipin Kaswala hai. Actually, I was the fifth batch of IAPS, it is the B Farm. I have completed in 2007. Mari shayad fifth batch thi 2003 mein, 2003-2007. Sabse pehle main congratulate karna chahunga hamare jo mere professor aur all expert authority bodies that have been associated with this institute. Or thank you for organize this wonderful events. It is the 22nd Foundation Day. अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 2007 में जब बी फार्मा कंप्लीट किया तो उसके बाद में हमारी संस्था में कैंपस इंटरव्यू का अरेंजमेंट हुआ था. दैट वाज बीन हॉल्ड इन कैंपस इंटरव्यू में आई वाज बीन सिलेक्टेड एज एन सुपरवाइजर फ्रॉम आसपा स्वामी आत्मानंद सरस्वती आयुर्वेदिक सहकारी फार्मेसी. मैंने 2007 में आसपा ज्वाइन किया एज एन सुपरवाइजर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बना, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर बना और 2012 में मैंने आसपा में रिजाइन दिया. 2012 के बाद मैं एक्चुअली हमने 2010 में BSR बापा सीताराम एंटरप्राइज करके कंपनी चालू की थी, जिसके अंदर हम लगभग 15 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते और मार्केटिंग करते थे. 2010 के बाद 2 साल हमने उसको रन किया और फिर थोड़ा बहुत हमें इसमें अच्छा कुछ कमाई मिलने लगी एज कंपैरिजन टू हमारी जो सैलरी थी उससे ज़्यादा कुछ मिलने लगा. फिर हमने छोड़ दिया आसपास कि भाई अभी 100% हम कॉन्सनट्रेट करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर. 2012 में हमने जब आसपा छोड़ा उसके बाद आयुर्वेदिक सेगमेंट में
हम 4-5 फॉर्मुलेशन ऐसे लाए जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। क्षण बिंदु तेल हमने बनाया था जो ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ा, बैंड किया और कुछ काफ़ी सारा इश्यूज क्रिएट किया। फिर हमने BSR एंटरप्राइज बंद कर दिया और उसके बाद हमने सोचा कि यार अब आयुर्वेदिक सेगमेंट में तो हमको 1-2-3 परेशानी आ गई, अभी आयुर्वेदिक सेगमेंट को मैं अपने को कुछ नया चालू नहीं करना है। तो उसके बाद हमने कुछ न्यूट्रास्यूटिकल सब्जेक्ट चालू किया। 2012 में हमने म्यूटेमा लैब के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके एक नई कंपनी बनाई जिसके अंदर हम प्रोटीन पाउडर और टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। और न्यूट्रास्यूटिकल सब्जेक्ट इतना वाइड सब्जेक्ट नहीं था और हमारे लिए इतना अवेयर भी नहीं था और हमारे पास इतना ज़्यादा उस टाइम नॉलेज भी नहीं था कि हम किसको न्यूट्रास्यूटिकल को कैसे आगे बढ़ाए। लेकिन धीरे 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 कुछ ऑनलाइन स्टडी किया, कहीं ना कहीं लिटरेचर मिला, कहीं से बुक्स पढ़ी, फूड सप्लीमेंट के बारे में पढ़ा, एक्ट के बारे FSSAI एक्ट पढ़ा, तो थोड़ा बहुत अपने को जानकारी मिली कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाए, हम इसमें कैसे सक्सेसफुल हुए। न्यूटेमा लैब के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हमने चालू किया उसके अंदर में हम 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगे। उसके बाद हमने एक और कंपनी चालू किया जिसका नाम है न्यूट्रा हेल्थ केयर। न्यूट्रा हेल्थ केयर हमने 2017 में चालू किया जो 22,000-2005 ISO 22,000-2005 WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट था, अभी हलाल भी सर्टिफाइड हो गया है। और न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रा हेल्थ केयर अभी लगभग 1200 से 1250 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लगभग 300 प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 35 डिफरेंट कंट्री में। आने वाले 2020 दिवाली के बाद न्यूट्रा हेल्थ केयर आर गोइंग वन स्टेप अहेड। तकरीबन 2.25 बीघा ज़मीन में हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट FDA प्लांट डेवलप कर रहे US FDA प्लांट डेवलप कर रहे जो लगभग न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट बोला जाएगा US FDA प्लांट के हिसाब से। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा हमारा जो कंपनी है प्रोडक्ट है उसके बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक्चुअली जब हमने स्टडी किया, जब हम बीफार्मा करते थे, वी आर नॉट अवेयर अबाउट प्रोटीन्स। हमें बहुत बहुत शॉर्ट पढ़ाया था, शायद हमारा सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट था। व्हाट इज द प्रोटीन्स, वी डू नॉट नो एक्चुअली व्हाट इज द वे प्रोटीन, व्हाट इज द राइस प्रोटीन, व्हाट इज द हेम्प प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, जरा सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, होल मिल्क पाउडर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इट इज द डीप प्रोटीन। वी नो अबाउट द कार्बोहाइड्रेट बट वी डू नॉट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम माइक्रोबायोलॉजिकल पढ़ा हमने, बायोकेमिस्ट्री में शायद आता था लेकिन इतना डीप नहीं था, और बायोकेमिस्ट्री हम पढ़े लेकिन ठीक अच्छा पढ़े, ज़्यादा हमें इसमें इतना उस टाइम नॉलेज नहीं था पढ़ाई के समय, लेकिन जब फील्ड वर्क में काम करना पड़ा तब जाके बायोकेमिस्ट्री को हमें एड ऑन करना पड़ा। वी डू नॉट नो अबाउट द फैट्स एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल। वी नो अबाउट द विटामिन्स, वी नो अबाउट द मिनरल्स, वी नो अबाउट द अमीनो एसिड्स, बट इन न्यूट्रास्यूटिकल एक्चुअली दिस ऑल आर द पार्ट्स of proteins, vitamins, minerals, fat and some other elements. अगर हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत अगर इसको डीप में पढ़ाया जाए, आयुर्वेद के साथ साथ अगर फूड सप्लीमेंट को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए तो कोई ना कोई स्टूडेंट को इन फ्यूचर बहुत काम लगने वाली चीज है। ये ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आप सबको पता है अगर बोलने जाऊंगा तो शायद टाइम लग जाएगा ज्यादा, और घर में अकेला ही हूं, कंट्रोल कोई करने वाला है नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो सक्सेस हमने न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में पाया है, वी आर वेरी
proud to be a part of Ayurvedic pharma. I feel myself proud to be an Ayurvedic pharmacist. मैं आभारी हूँ हमारे गुरुजनों का, मैं आभारी हूँ हमारी संस्था का, और जो चीज आज हमने हमारे पास है, जो चीज हमारे गुरुजनों ने हमें दी है वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो क्लासमेट है, हमारे आज कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में हमारे सारे मित्रों का बहुत अच्छा रोल है। और हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हमारे जो सपोर्टर्स है, केवलिया सर है, राजेश बरवालिया सर है, अमित जोई सर है, भक्ति सर है, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू डेट वी आर सेलिब्रेटिंग 22nd फाउंडेशन डे, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, एंड वी विल डेफिनेटली मेक सम प्राउड टू बी एन आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एंड IIPS। जब हम एक्चुअली हम पढ़ाई करने गए तो हमें ढूंढना पड़ा था IIPS को, लेकिन आज वर्ल्ड में लोग IIPS को ढूंढ रहे हैं, आज वर्ल्ड में लोग फार्मासिस्ट ढूंढ रहे हैं। इस COVID-19 के समय में आज सबको आयुर्वेद की जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और जो आयुर्वेद ने हमें दिया है, जो प्रोफेसरों ने हमें बांटा है, We are very thankful to all of you. We are very thankful to our Gurujan and we are thankful to our Sanstha. Thank you. Hello friends, I am Dr. Hardik Soni, Senior Manager R&D at Vasu Healthcare Private Limited, Vadodara. I hope you all are safe and healthy at your home during these COVID situations. First of all, I want to congratulate all of you and myself also that we are celebrating 22nd Foundations Day of IIAPS. I was alumni of the batch of 2003 to 2007. I have completed my B.Pharm in the 2007. Then I have joined my M.Pharm and I have completed my PhD from the Gujarat Ayurveda University in the specialization of pharmacology. Nowadays, friends, you know that ki Ayurveda comes into the boom due to as alternative medicines or as supportive medicine in the fighting with that COVID situations. And more or less in the international scenario, as in the global market and in the domestic presence, we come up with the good reputations of Ayurveda. As a Ayurvedic pharmacist, it is our moral duty and our responsibility to give our best for the quality, efficacy and safety of our Ayurvedic medicines. When I was in the B.Pharm, that time we don't know what will be our future and how we are going to do our best in this field. But as on date, I am very confident and very proudly say that we have a good opportunity and we have a good scope in the market to deliver our best for our Ayurvedic medicines. So I have a small message to you, my friends. Whatever you learn in your academic durations or during the college time, please correlate with the practical aspects and how to interpret your theoretical knowledge into the practical platform. It is very important to correlate the bridge between theoretical aspect and the practical correlations. That is more important to you for in the future point of view. So please try to make your practice in your college that you can able to learn the theoretical concept in the practical manner. So it is very important for you in the future point. We all are ready to welcome you in the field, in the Ayurvedic industries. So don't worry and do your best in your academic sessions. And I hope you all are doing great job at your place. My best wishes with all of you, my friends, and have a great future ahead, and all of you have a nice day. Thank you very much. Once again, I want to congratulate all of you. Have a nice day. Goodbye. Namaste. Mera naam Hitesh Chauhan. Aaj hamare Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Science, hamara Ayurvedic Pharmaceutical Science ka jo institute hai,
उसका 22वां फाउंडेशन डे है। मैं हार्टिली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों को। इस इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने 2003 से लेके 2009 तक जो स्टडी किया, उसकी वजह से आज हम जो भी हैं वो हमने लाइफ में अचीव किया। आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हमार सर श्री जोबन मोढ़ा कि जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुंचाया। 2009 से जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ श्री श्री आयुर्वेदा से, उसके बाद इमामी लिमिटेड से, उसके बाद हिमालया ड्रग कंपनी तक जहां मैं पहुंचा, उसके लिए कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं आभारी हूं। और उसके बाद 2013 से हमारा जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का बिजनेस आज हम सक्सेसफुली चला रहे हैं, उसके लिए मेरे सारे कलीग्स, मेरे मित्रों का सपोर्ट भी है। मेरे जो पार्टनर है वो भी इंस्टीट्यूट से, इसी इंस्टीट्यूट से है, श्री चिराग भाई और हमारे शुक्ला साहब। सो आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन के आज 22वां फाउंडेशन डे है हमारा। आप सभी को पता है इस COVID-19 पेंडेमिक के बाद हम आयुष मैन्युफैक्चरर्स, आयुष इंडस्ट्री को एक नया बूस्टअप मिला है, एक नई दिशा खुली है। हमारे विद्यार्थी आज आयुर्वेदिक वेटरनरी मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक और हर्बल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हर जगह पे है। और इन हर जगहों पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस स्कोप अवेलेबल भी है। शायद इनिशियल स्टेज में हमारे जो सीनियर्स हैं, शायद हम लोग 5वीं बैच थे इस इंस्टीट्यूट के, तो हमारे पहले के जो सीनियर्स ने हमारे लिए एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार किया था, बट शुरुआत की बैच को दुनिया को एक्सप्लेन करना पड़ता था हु आर वी, नाउ पीपल आर सर्चिंग फॉर अस। सो इट इज़ द ग्रेट सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट की सक्सेस के लिए एक एक गुरुजन को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, सब विद्यार्थी, सब मित्र और सारे ही जुड़े हुए लोग। इस इंस्टीट्यूट ने पहली बार आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच में एक ब्रिज बनाया, जिसकी एक लंबे अरसे से आयुर्वेद को बूस्ट करने के लिए ज़रूरत थी। और पिछले 15-20 सालों में हमने ये करके भी दिखाया सक्सेसफुली, क्योंकि आयुर्वेद अपनी जगह पे एक अच्छे मुकाम पे है, मॉडर्न साइंस अपनी जगह पे एक अच्छे मुकाम पे है, पर जब तक हम हमारे आयुर्वेद को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे, दुनिया की लैंग्वेज में नहीं समझा पाएंगे, उसके बीच में ब्रिज नहीं बना पाएंगे, तब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन पहुँची। डेफिनेटली अभी हम लोग ट्रेमेंडसली वर्क कर रहे हैं, आने वाले 10 साल हमारे हैं, हम डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में वर्ल्ड वाइड फैलने वाले हैं। लोग आज रिस्पेक्टफुली आयुष मेडिसिन को ले रहे हैं और यही रिस्पेक्ट, यही क्वालिटी, यही फेथ बना रहे, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। थैंक यू, जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस इज पद्मिनी जडेजा एंड ऑन दिस 22nd फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आई वुड लाइक टू कन्वे माय रिगार्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड टू द इंस्टीट्यूट एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑब्लाइज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। I sincerely felt that they have helped me during my journey, right? It was a very good experience at IIPS and I wish the newcomers that you will have the very bright future here, right? So thank you once again and once again congratulations and good wishes for the bright future. Thank you. Hi everyone, I am Anand Mehta, recently working in government of Gujarat as a technical officer Ayurved in Food and Drug Control Administration.
First of all, I would like to congratulate all the teachers, students and staff of our institute, IIAPS. I am also thankful to the creator and founder of the institute. We are pioneer of the pharmacy Ayurveda course and I feel proud to part of this institute. I started my journey with this institute in 2004. I am completed B.Pharm Ayurveda in 2008. It was very memorable moment for me. I also completed M.Pharm Ayurveda from this institute. Nowadays, Ayurveda industry grow very fast. Domestic and international market also increased day by day. In recent situation of COVID-19, every person, everyone trust on Ayurveda and also believe in prevention. That means preventive is better than cure. Everyone believe in this sentence. So new market open for preventive medicine. This is very good news for us and it also increase the future of Ayurveda in preventive medicine. Once again, I would like to thank all the persons in the Ayurveda segment, congratulate all the persons in the institute and my best wishes to all the newcomer students. Thank you. Thank you. Hi there. This is Darshit Joshi. Good evening, everyone who's watching me virtually. It gives me such a proud feeling to address everyone on this occasion, our institute's 22nd foundation day and our alumni meet. This day is really very important for all of us because it's provided an opportunity to meet everyone after a long time in person. Provide the chance to see our teachers, our former teachers and fresh teachers, whoever are there in our college, just like Kunal sir is now a teacher and the other staff members of our college. It also enable us to notice the changes and development happen in the college campus and surrounding. What what we were having at that time and now there are a couple of changes, so we can notice those things. Okay, IAPS has a long established tradition to stay in touch with their students. Continuing this tradition this year, in this current situation, I'm really proud that they have organized the alumni meet online and kudos to their efforts because they made it possible, you know. And our college, I must say that it's a pioneer in our Ayurveda pharmaceutical. Decade passed and I have seen so many changes in our industries and now I can say that our graduates are widely spread into the globe. With their learning, their knowledge and their performance, they are making difference everywhere. Many of us I know showcasing outstanding performance in our field. Our college is now accredited A grade by NAAC. Kudos to effort of all experienced faculty, dedicated staff and management for achieving such heights. And I really wish our college reach many miles ahead. Hope you all taking good care of yourself and your loved ones. It is great to share a few moments with you guys and I hope we catch up very soon. Have a good day and have a great time. Take care of yourself. Bye-bye. My name is Brijesh Nutani and I'm an alumni from the batch 2010. First of all, my best wishes for the Mother Institute where we pass out. When we denote the term mother itself, it shows the emotions of love, sacrifice, care, anger, etc. But when all these ingredients get in the molded, they form the best palatable dosage form, which play a pivotal role in your life. Thank you so much. Hello everyone. This is Dr. Saloni Ambasna, Senior Officer R&D, Vasudhi Research Center, Vadodara, and a proud alumni of IIAPS 2013 batch. It's an honor to say a few words about my alma mater, as at times I feel a bit unusual sensation and I think it is not indigestion but gratitude towards my mother institute, the place which has made me what I am today. Well, way back in 2009, as I stepped into the portals of the institute, I was a girl who was introvert, had no hopes, whose goals were shattered, lacked confidence due to a number of rejections faced. But as it is said, good things will happen. And yes, eventually I was nurtured, polished and shapen up by the beloved teachers of the institute
to a confident, self-esteemed and successful person I am today. And honestly, let me say, after being a part of the institute, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. Today, as I sit and look back to my journey of beautiful metamorphosis from Saloni Ambasna to Saloni, I feel obliged, as at least now I don't need a surname to show my worth. I have success to speak volumes about me on its own. Though thank you is not enough, but I say it with proud to express my deep gratitude to my mother institute and my teachers for teaching me the correct definition of fear, that is, face everything and rise, and also for instilling a love of learning in me. As the institute is celebrating 22 glorious years of existence, I convey my greetings to the principal, faculty, staff and students of IIAPS, and with the hope that the institute continues to nurture and enlighten the young minds who are all set to serve the mankind with the boon of Ayurveda. I sign off. Thank you. Stay safe. Stay healthy. Thank you. Namaskar. Hello to all. હું દીક્ષાંત વીરવાડિયા આઈઆઈએપીએસના 22મા ફાઉન્ડેશન દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આઈઆઈએપીએસના સ્ટાફ મેમ્બર્સનો ખૂબ જ આભારી છું કે જેઓએ અમને આ તક આપી જેથી કરીને અમે અમારા એક એલ્યુમિનાઈ તરીકે અને એક આયુર્વેદિક ફાર્માસિસ્ટ તરીકે અમે અમારા અનુભવ આ પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, હું દિશાંત, આયુર્વેદિક સપ્લાયર્સ, મેન્યુફેક્ચરર ઓફ આયુર્વેદિક ક્લાસિકલ મેડિસિન્સ, આ કંપનીના ફાઉન્ડર મારા ફાધર શ્રી દક્ષેશભાઈ વીરવાડિયા છે અને આ કંપનીમાં હું એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે જોડાયેલો છું. મિત્રો, અમે મેન્યુફેક્ચરિંગની સાથે સાથે આયુર્વેદિક રો મટીરિયલનું ટ્રેડિંગ પણ કરીએ છીએ. આયુર્વેદિક રો મટીરિયલ્સ ફ્રોમ કલેક્શન, કલ્ટિવેશન એન્ડ ધ સેલિંગ ઓફ ધી આયુર્વેદિક રો મટીરિયલ ઇન ધ માર્કેટ. સો વી આર ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ એન્ડ ઓલ્સો ઇન ટ્રેડિંગ બિઝનેસ ઓફ આયુર્વેદિક મેડિસિન્સ સિન્સ 1991. મિત્રો, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 2008માં મેં એડમિશન લીધું હતું. ત્યારબાદ ડી ફાર્મ ને બી ફાર્મ કોર્સિસ કરેલા અને 2015ની બેચમાં પાસ આઉટ થયેલો છું. ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને મેં આઈએપીએસમાંથી આઈઆઈએપીએસમાં પરિવર્તિત થતી જોવાનો મને અવસર પણ મળ્યો અને હું એનો સાક્ષી પણ છું. એન્ડ આઈ એમ ફિલિંગ વેરી પ્રાઉડ દેટ આઈ એમ ધ વિટનેસ ઓફ ધીસ હિસ્ટોરિકલ મુમેન્ટ ઓલ્સો. મિત્રો, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિતાવેલો સમયનું વર્ણન કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. કોલેજ લાઈફ, હોસ્ટેલ લાઈફ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અવર ટી લાઈફ, ને આ બધાને શબ્દોમાં વર્ણવવું ખૂબ જ અઘરું છે. એઝ વી ઓલ નો દેટ ઇટ કેન નોટ બી એક્સપ્રેસ, ઇટ કેન બી ફીલ ઓલ્સો, એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી સ્વીટેસ્ટ મેમરી ઓફ અવર લાઈફ. મિત્રો, વેન આઈ ગોટ એડમિશન ઇન ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વી ડોન્ટ નો અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ કોર્સિસ. તેમ ઇન અવર ઇન્ડસ્ટ્રી જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગુરુજનોનું માર્ગદર્શન તેમજ તેમના અનુભવનો સાથ મળતા આ સમજાવવા લાગ્યું કે આ કોર્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું બધું છે. અને અમારી સાથે ભણતા મિત્રો અને એમાં અમારી થયેલા મિત્રો અને અમારા સિનિયર્સનું માર્ગદર્શનનો પણ ખૂબ મહત્ત્વનો સાથ મળ્યો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિતાવેલો ટાઈમ અને એનું એજ્યુકેશન, નોલેજ એન્ડ ત્યારબાદ ઇન્ડસ્ટ્રીના અનુભવ ઉપરથી એક વાત તો ચોક્કસ કહીશ મિત્રો, કે આયુર્વેદિક ફાર્માસિસ્ટનો કોઈ ઓપ્શન આયુર્વેદિક ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે નથી. વી આર ધ ઓનલી વન એન્ડ ઓનલી વન, ઇટ્સ ફોર શ્યોર. વી આર લાઈક ઓલરાઉન્ડર ઇન આયુર્વેદા ઇન્ડસ્ટ્રી. અવર રોલ ઇઝ ઇન પ્રોડક્શન, ક્વોલિટી કંટ્રોલ, ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ એન્ડ પ્રોડક્ટ માર્કેટિંગ એટસેટ્રા. ઓલ્સો આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ ફોર ધીઝ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ હુ કરન્ટલી સ્ટડિંગ ઇન ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ હુ વિલ ટેક એડમિશન ઇન ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ડોન્ટ થિંક અબાઉટ ફ્યુચર ઓફ ધીસ કોર્સિસ મિસ ફ્રેન્ડ્સ, જસ્ટ ડૂ સિમ્પલ થિંગ કન્ટિન્યુઅસલી. યોર થિયોરેટિકલ આસ્પેક્ટ એન્ડ પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ correlated. Also take knowledge of current scenario of Ayurvedic industry and trying to create bridge
between our ancient science Ayurveda to modern science. But I must say that we are the pillars of this bridge all between these two science. Also, you all know कि जेम लोगों ने इम्यूनिटी अत्यारे ऑल्सो यू ऑल नो इन ऑल कोविड 19 पेन्डेमिक कंडीशन जेम लोगों ने इम्यूनिटी माटे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अत्यारे फर्स्ट नंबर ऊपर छे इम्यूनिटी बूस्टअप माटे अने आ तक आयुष इंडस्ट्री अने आयुष सेक्टर माटे एक बिग बूस्टअप समान छे। घणा लोकोने एवुं थयुं हशे कि अमुक शब्द पहली वार सांभळवा मळ्या होय जेम के आरोग्यवर्धक उकाळो સંશમની વટી સુદર્શન ઘનવટી કિલો ઘનવટી હવે આયુર્વેદિક મેડિસિનના નામ પબ્લિક સેક્ટરમાં ફર્સ્ટ મેડિસિન તરીકે આવે છે ફોર ધ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર ઇન ધીસ પેન્ડેમિક કન્ડિશન એન્ડ આપણે બધા એના સાક્ષી પણ છીએ ફ્રેન્ડ જે કોર્સિસ આઈઆઈએપીએસમાં ભણાવવામાં આવે છે જેમ કે રસશાસ્ત્ર દ્રવ્યગુણ ફાર્માકોલોજી ફાર્માકોગ્નોસી ફાર્માસ્યુટિકલ એનાલિસિસ ફાર્માસ્યુટિક્સ એટસેટ્રા These are the soul of our Ayurvedic industry. Without getting it proper knowledge, you cannot make any Ayurvedic medicine in any manner. So, if you correlate this all subject internally and create a bridge with modern aspects and also trying to connect with current scenario of Ayurvedic industry, then no one can challenge you about Ayurveda and ઇફેક્ટનેસ એન્ડ ઇન્સ્ટન્ટ ઇફેક્ટ ઓફ આયુર્વેદિક મેડિસિન્સ. મિત્રો, હું જ્યારથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોડાયો ત્યારથી આપણે આજ સુધીનો મારો અનુભવ રહ્યો છે કે આપણે કોઈને કહીએ અથવા આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું હોય એમાં મારા નામની પાછળ દિશાંત વિરવાડિયા નામની પાછળ બીફાર્મ આયુર્વેદ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીનું જ્યારે ટેગ લાગે ત્યારે લોકોને આપણા તરફ વિચારવાનો અને જોવાનો આસ્પેક્ટ્સ બદલાઈ જતો હોય છે. અને એક એવો પણ અનુભવ છે કે પબ્લિક સેક્ટરમાં આપણને આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સમાન ગણવામાં આવે છે, જે આપણા બધાનો અનુભવ રહ્યો હશે. સો ઇટ્સ અ બિગ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ધીસ કોર્સિસ. લાસ્ટમાં ફ્રેન્ડ્સ, ઇન લાસ્ટ આઈ મસ્ટ સે દેટ વી હેવ અ હ્યુજ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ આયુર્વેદિક સેક્ટર્સ ઓફ આયુર્વેદા ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ we and Ayurvedic industries and we are the future of 5000 years old the ancient science of Ayurveda. I also request to all that in this pandemic condition don't panic, be alert and take immunity booster medicine of Ayush industries. Once again, thank you very much IIAPS for giving this opportunity to us. Jai Ayurved, Jai Bharat. Thank you. Namaskar, mera naam Rishabh Agnihotri hai. पर मैं श्री शंकर एक फार्मेसी से हूँ. आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे मदर इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने मेरा डी फार्म कम्प्लीट किया है उसके आज वो 22nd फाउंडेशन डे है. उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. जैसे कि अभी आयुर्वेद का ट्रेंड सभी जगह बढ़ रहा है, वैसे वैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट का भी रोल आगे जाके बढ़ रहा है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी. अगर बात करें तो IIPS की, IIPS एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रैक्टिकल थियरी दोनों पॉइंट इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे कवर किया जाता है वो सब वहाँ पे सिखाया जाता है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ पे डिप्लोमा आया था तब मुझे आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे लेबोरेटरीज है, फार्मेसी है, वो देखने के बाद अपने आप मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेद में बढ़ा. और आयुर्वेद में अभी मैंने डिफॉर्म किया है, डिफार्मा और एनफार्मा कम्प्लीट किया है. IIPS एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों नॉलेज देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जो अभी वर्क चल रहा है, जैसे कि पूरा भी इंडस्ट्री R&D के ऊपर डिपेंड है, वो IIPS उसी तरह से R&D विथ क्लासिकल मेथड उस पर पूरा सिखा रही है IIPS. अभी जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में पूरा मॉडर्नाइजेशन पे चल रहा है, उसी तरह ऐसा नहीं है कि IIPS को सब नहीं सिखाया जा रहा. IIPS क्लासिकल मेथड को कैसे मॉडर्नाइजेशन मशीन पे हम प्रैक्टिकली अप्रूव करते हुए पूरा यहाँ पे सिखाने को मिल रहा है. और इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गामा यानी कि गुजरात आयुर्वेद औषध मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कमेटी मेंबर भी हूँ. जैसे कि आप सभी ने नाम सुना होगा गामा, गुजरात आयुर्वेद औषध मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन.
उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आईएपीएस के स्टूडेंट्स मैं भी उसमें हूँ, वो हम सभी लोग एक हमारी अलग पहचान है इंडस्ट्री में, आयुर्वेद इंडस्ट्री में। और आईएपीएस के जो भी स्टूडेंट है वो एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी पीछे नहीं पड़ते, पीछे नहीं रहते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके भी हम कर लेते हैं। और आईएपीएस की यही एक खासियत है। और आगे जाके भी गामा और श्री शंकर अधिक फार्मेसी की ओर से आईएपीएस को कोई भी मदद चाहिए या मेरी मदद से जो कुछ भी हेल्प चाहिए तो गामा और श्री शंकर अधिक फार्मेसी दोनों हेल्प करेंगे। थैंक यू। Hi everyone, good afternoon. I am Yahun Shisha Karaswai from Shillong, State Meghalaya. So first of all, for my part, I would like to take a moment to express how thankful the IIEPS is. I am also express my sincere thanks to the principal, to all the teachers, the staff member, and all the students of the IIEPS. I would love to share that I was studying in this institute in the year 2014 to 2016. I was doing diploma of pharmacy in this institute for 2 years. I have learned a lot about the importance of Ayurveda, and I am very interesting being study about the Ayurveda. I am love being a part of this institute, and I am very happy to share some few words. Thank you so much for being an impactful leader and motivating the students to strive for success daily. I wish the best of IIEPS and good health to you all. Thanking you all once again. God bless you all. Thank you. Hello friends, I am Hipopo Khashandi from Shillong, Meghalaya, Northeast India. Well, with the celebration of 25 years of institution IIAPS, I would like to say something regarding my course of study in this institution. I would like to say that I am so proud to be a part of this institution for giving me an extreme awesome knowledge with regard of medicines of this institution, which are very pure organic in nature. I would firstly and heartfully thank to all my dear teachers who have been working so hard and be able to push us to be success. Without them, we'll just be like a failure. And secondly, I am so thankful to all the non-teaching staff for being there for us in any problems regarding the administration methods. And above all, I'm so thankful to my dear principal. He has been a guidance, a counselor, and a mentor. And he has been a source of inspiration. And I'm saying thank you, sir. And lastly, thank you to all my seniors. They have been shown the way of enlightenment. Last of all, I would like to say that they are the first fruit of our institution. Without them, the institution would not flourish. Thank you, senior. And with the completion of my course presently, I am working as an Ayurvedic pharmacist in Civil Hospital, Nongpor in Meghalaya. And above all, I would thankful to all my Almighty God who had let me procure the study, and now my dream had been fulfilled. Before I went up with my speech, I would like to say a little line to all my friends that with the present situation of the epidemic, I would advise to put the mask and maintain the social distance with one another, because there is no cure or no solution to this virus of its entry. So we can really work hard and stay safe and protect ourselves by following the suggested protocol. Thank you. Stay blessed.